Hello friends, in this video we will learn some simple present tense sentences. Let's begin. वह ऑफिस कार से जाती है. She goes to office by car. क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? Do we know each other? यहाँ गर्मियों में बारिश नहीं होती है. It doesn't rain in summer here. प्रत्येक बच्चा आइसक्रीम पसंद करता है. Every child likes ice cream. मैं बर्तन नहीं धोता हूँ. I don't wash the dishes. उसके बच्चे नहीं है. She does not have children. She doesn't have children. आप देर से क्यों आते हो? Why do you come late? वह गाना कब गाता है? When does he sing song? वह केक कैसे बनाती है? How does she bake the cake? These were some of the simple present tense sentences. ये कुछ simple present tense sentences थे. अब हम सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाता है. उसके बाद फिर हम और सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करेंगे. वी विल लर्न हाउ टू मेक द सेंटेंसेस एंड देन वी विल प्रैक्टिस सम मोर सेंटेंसेस. फ्रेंड्स, हमें सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. सबसे पहला है सब्जेक्ट यानी कि विषय. दूसरा है वर्ब यानी कि क्रिया. और तीसरा है ऑब्जेक्ट जिसपे क्रिया होती है. हाउ टू मेक सेंटेंसेस, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं. देयर आर सेवन कॉमन प्रोनाउंस, सात कॉमन सर्वनाम होते हैं. दे आर क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, इनको दो ग्रुपों में बांटा जाता है. ग्रुप वन में आता है आई यानी कि मैं, वी हम, यू आप, दे वे. ग्रुप टू में आता है ही वह पुरुष, सी वह स्त्री, इट यह जैसे निर्जीव चीज है किताब, पेन, पेंसिल, मोबाइल, या जिसका हमें लिंग पता नहीं हो, जेंडर पता नहीं हो जैसे डॉग, कैट. ये सर्वनाम थे. सेंटेंस बनाने के लिए हमें नाउन की भी जरूरत पड़ती है. जो अनेक वचन के नाउन हैं, वे ग्रुप वन में आते हैं. बॉयज, गर्ल्स, मेन, विमेन, कैट्स, कार्स. एक वचन के नाउन ग्रुप टू में आते हैं. बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, कैट, डॉग या किसी आदमी का नाम, ये सब एक वचन है. ये ग्रुप टू में आते हैं. अब हम बात करेंगे वर्ब्स यानी कि क्रिया. ईट खाना, सिंग गाना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, ड्रिंक पीना. लेकिन ग्रुप टू में वर्ब जो है एस के साथ आता है. ईट्स, ड्रिंक्स, प्लेस, रीड्स, राइट्स, ड्रिंक्स, वर्ब के साथ एस लगाया जाता है. दूसरी क्रिया जैसे गो,
जाना, वॉच, देखना, कैच, पकड़ना, पंच, मुक्का मारना। इनके साथ में वर्ब के साथ ईएस लगता है, गोस, वॉचेस, कैचेस, पंचेस। अन्य क्रिया जैसे फ्लाई, उड़ना, क्राई, रोना, ड्राई, सुखाना, इनके साथ क्रिया के साथ आईएस लगता है, फ्लाइस, क्राइस, ड्राइस। अब इनको लेकर हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फर्स्ट कैटेगरी में जो क्रिया लगती है वो है ईट। सेकेंड कैटेगरी में ईट्स। गो फर्स्ट कैटेगरी में, गोस सेकेंड कैटेगरी में, फ्लाई फर्स्ट कैटेगरी में, फ्लाइज सेकेंड कैटेगरी में। अब इनके साथ जो हम सब्जेक्ट लगाएंगे फर्स्ट कैटेगरी में, जैसे आई हो गया, दे हो गया, बॉयज। सेकेंड कैटेगरी में ही, राम, बॉय। फर्स्ट कैटेगरी में आई को छोड़ के सब अनेकवचन है, सेकेंड कैटेगरी में सब एकवचन है। आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। दे गो टू टेम्पल, वे मंदिर जाते हैं। राम गोस टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है। बॉयज फ्लाई काइट, लड़के पतंग उड़ाते हैं। बॉय फ्लाइज काइट, लड़का पतंग उड़ाता है। इनमें सिर्फ क्रिया का फर्क है। जब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में डू लगता है और सेकंड कैटेगरी में डस लगता है। फर्स्ट कैटेगरी में आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं मैंगो नहीं खाता हूं, या हम आई डोंट ईट मैंगो भी बोल सकते हैं। दे डोंट गो टू टेम्पल, वे मंदिर नहीं जाते हैं। बॉयज डू नॉट फ्लाई काइट, लड़के पतंग नहीं उड़ाते हैं। ही सेकेंड कैटेगरी में ही डज नॉट ईट मैंगो, जैसे ही डज लगता है, जैसे ही डज की एंट्री होती है सेंटेंस में, वर्ब का एस निकल जाता है। अब हम सब फर्स्ट कैटेगरी के वर्ब यूज करते हैं। राम डजेंट गो टू टेम्पल, राम मंदिर नहीं जाता है। बॉय डज नॉट फ्लाई काइट, लड़का पतंग नहीं उड़ाता है। लेट अस लर्न फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस। अब मैं आपको ये जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूं सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे, ये फर्स्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। इनको क्रिया, सिर्फ क्रिया ही लगेगी और आगे से ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी कि आई रीड न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर, यू रीड न्यूज़पेपर, दे रीड न्यूज़पेपर। ही, शी, इट सेकेंड कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, तो इनको रीड्स लगेगा, क्रिया के साथ में एस लगेगा और फिर आगे से जाके न्यूज़पेपर लगेगा। तो फर्क ये है कि फर्स्ट कैटेगरी के साथ में क्रिया को एस नहीं लगता है, ईएस नहीं लगता है, आईएस नहीं लगता है, और सेकंड कैटेगरी के साथ में क्रिया को एस, ईएस और आईएस लगता है। नाउ द नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। I do not read newspaper, we do not read newspaper,
You do not read newspaper. They do not read newspaper. He does not read newspaper. She does not read newspaper. And it does not read newspaper. Now, let us learn with some examples. Mahesh Jor Se Hasta Hai. Mahesh laughs loudly. Gehno Ka Vyapar Teji Se Badhta Hai. Jewelry Business Grows Fast. Hum Aapka Swagat Karte Hain. We Welcome You. Abhyas Aadmi Ko Poorn Banata Hai. Practice Makes A Man Perfect. वह दुबई में काम करता है. He works in Dubai. वह खत नहीं लिखती है. She does not write letter. मैं झूठ नहीं बोलता हूँ. I do not speak lie. वह अखबार नहीं पढ़ती है. She does not read newspaper. Sunil बहुत धीरे चलता है. Sunil walks very slowly. Rakesh हमारे बारे में नहीं जानता है. Rakesh does not know about us. मैं दोपहर को नहीं सोता हूँ. I don't sleep during afternoon. छात्र अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं. Students speak good English. मैं समय पर खाना नहीं खाता हूँ. I don't eat on time. सुनीता सोने से पहले किताब पढ़ती है. सुनीता reads book before sleeping. राधा अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलती है. राधा does not speak good English. Now framing of questions. अभी इन्हीं sentence को लेके हम इनका question बनाना सीखेंगे. इनका question किस तरीके से बनाया जाता है. हमारे sentence है I read newspaper and he reads newspaper. हमने एक एक example ले रखे हैं. अब मुझे इसका question बनाना होगा तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा. Question type 1. Question type 1 वो questions होते हैं जिनका जवाब हम यस एंड नो, हाँ और नहीं में दे सकते हैं. इनकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है. डू आई रीड न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, और अब ये क्वेश्चन टाइप में आ गया. डज ही रीड्स न्यूज़पेपर. अब जैसे ही डज लगेगा क्रिया का एस चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. अब मुझे इसे नेगेटिव फॉर्म में कहना है तो डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं. डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्या वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है. तो ये थे हमारे क्वेश्चन टाइप 1 पॉजिटिव और नेगेटिव. क्या वह सब कुछ जानता है. Does he know everything? क्या तुम्हें यह फूल पसंद है. Do you like this flower? क्या बच्चा चलते वक्त गिरता है. Does child fall while walking? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती है. Does she not like you? क्या वह तुम्हारे कपड़े पहनता है. Does he wear your clothes? क्या तुम उसकी भाषा समझते हो. Do you understand his language? क्या वे इस मामले में आपसे मशवरा करते हैं. Do they consult you in this matter? अब सीखेंगे हम क्वेश्चन टाइप 2
जिसमें why, when, where, how, क्यों, कब, कहां और कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन टाइप टू होते हैं ये क्वेश्चन टाइप वन के आगे लगाए जाते हैं, मतलब उससे पहले लगाए जाते हैं। जैसे वेयर का क्वेश्चन, वेयर यानी कि कहां, तो वेयर डू आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कहां पढ़ता हूं। वेयर डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कहां नहीं पढ़ता हूं। वेयर डज ही रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कहां पढ़ता है। वेयर डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कहां नहीं पढ़ता है। फिर आता है हमारा व्हेन, कब। व्हेन डू आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कब पढ़ता हूं। व्हेन डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ता हूं। व्हेन डज ही रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कब पढ़ता है। एंड व्हेन डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ता है। फिर आता है हमारा हाउ, कैसे। हाउ डू आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता हूं। हाउ डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कैसे नहीं पढ़ता हूं। हाउ डज ही रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता है। हाउ डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कैसे नहीं पढ़ता है। अब तक हमने पढ़ा why, where, when, how, कब, क्यों, कहां और कैसे। अब हम सीखेंगे which और whose के बारे में। इनका जरा अलग फॉर्मूला है, which मतलब कौन सा, whose मतलब किसका। which और whose के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर do, does, not लगाना हो तो not आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर क्रिया आती है। जैसे हम बोलते हैं which book does she read, यहाँ पे she है तो does, which book book object है तो वो कौन सी किताब पढ़ती है। whose book do you read, ये do क्यों आया है, क्योंकि you लगाया गया है। वैसे ही हम लोग which book does she not read, वो कौन सी किताब नहीं पढ़ती है। and whose book do you not read, आप कौन किसकी किताब नहीं पढ़ते हो। तो which मतलब कौन सा और whose मतलब किसका। तो दोस्तों ये थे हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अब इस वीडियो देखने के बाद में सेंटेंस बनाने में काफी आसानी होगी। इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखिए कि आप सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकोगे। वह मंदिर क्यों जाता है, Why does he go to temple? आप मंदिर कब जाते हो, When do you go to temple? वह शतरंज कैसे खेलता है, How does he play chess? आप शतरंज कहाँ खेलते हो, Where do you play chess? वह कौन सी किताब पढ़ता है, Which book does he read? आप किसकी किताब पढ़ते हो, Whose book do you read? सुनीता कहाँ रहती है, Where does सुनीता live? आप गाना क्यों नहीं गाते हो, Why do you not sing song? वह गाना कब नहीं गाती है, When does she not sing song? वे आपकी मदद कहाँ करते हैं, Where do they help you? तुम कैसे नहीं समझते हो, How do you not understand? उसे कौन सा चॉकलेट पसंद नहीं है, Which chocolate does he not like? आप किसकी भाषा नहीं समझते हो, Whose language do you not understand? आप किसे पसंद नहीं करते हो, Whom do you not like? किसे पिज्जा पसंद है, Who likes pizza?
आप कौन सा पिज्जा पसंद करते हो? Which pizza do you like? वो किसकी कार चलाता है? Whose car does he drive? वे किसे रिपोर्ट करते हैं? Whom do they report to? किसे आइसक्रीम पसंद नहीं है? Who doesn't like ice cream? Now, let us check how many sentences can you make? देखते हैं आप कितने सेंटेंस बना पाते हो। महेश जोर से हंसता है। महेश laughs loudly। गहनों का व्यापार तेजी से बढ़ता है। ज्वेलरी बिजनेस ग्रोस फास्ट। हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वह दुबई में काम करता है। He works in Dubai. वह खत नहीं लिखती है। She does not write letter. मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। I do not speak lie. वो अखबार नहीं पढ़ती है। She does not read newspaper. सुनील बहुत धीरे चलता है। सुनील walks very slow. सुनील वॉक्स वेरी स्लोली। राकेश हमारे बारे में नहीं जानता है। राकेश डज नॉट नो अबाउट अस। मैं दोपहर को नहीं सोता हूं। आई डोंट स्लीप ड्यूरिंग आफ्टरनून। छात्र अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। स्टूडेंट स्पीक गुड इंग्लिश। मैं समय पर खाना नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट ऑन टाइम। सुनीता सोने से पहले किताब पढ़ती है। सुनीता रीड्स बुक बिफोर स्लीपिंग। राधा अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलती है। राधा डज नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। क्या वह सब कुछ जानता है? Does he know everything? क्या तुम्हें यह फूल पसंद है? Do you like this flower? क्या बच्चा चलते वक्त गिरता है? Does child fall while walking? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती है? Does she not like you? क्या वह तुम्हारे कपड़े पहनता है?
Does he wear your clothes? क्या तुम उसकी भाषा समझते हो? Do you understand his language? क्या वे इस मामले में आपसे मशवरा करते हैं? Do they consult you in this matter? वह मंदिर क्यों जाता है? Why does he go to temple? आप मंदिर कब जाते हो? When do you go to temple? वह शतरंज कैसे खेलता है? How does he play chess? आप शतरंज कहाँ खेलते हो? Where do you play chess? वह कौन सी किताब पढ़ता है? Which book does he read? आप किसकी किताब पढ़ते हो? Whose book do you read? सुनीता कहाँ रहती है? Where does Sunita live? आप गाना क्यों नहीं गाते हो? Why do you not sing song? वह गाना कब नहीं गाती है? When does she not sing song? वे आपकी मदद कहाँ करते हैं? Where do they help you? तुम कैसे नहीं समझते हो? How do you not understand? उसे कौन सी चॉकलेट पसंद नहीं है? Which chocolate does he not like? आप किसकी भाषा नहीं समझते हो? Whose language do you not understand? आप किसे पसंद नहीं करते हो? Whom do you not like? किसे पिज्जा पसंद है? Who likes pizza? आप कौन सा पिज्जा पसंद करते हो? Which pizza do you like? वह किसकी कार चलाता है? Whose car does he drive? वे किसे रिपोर्ट करते हैं? Whom do they report to? किसे आइसक्रीम पसंद नहीं है? Who doesn't like ice cream? वह ऑफिस कार से जाती है। She goes to office by car.
क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? डू वी नो ईच अदर? यहां गर्मियों में बारिश नहीं होती है। इट डजेंट रेन इन समर हियर। प्रत्येक बच्चा आइसक्रीम पसंद करता है। एवरी चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम। मैं बर्तन नहीं धोता हूं। आई डोंट वॉश द डिशेस। आई डोंट वॉश यूटेंसिल्स। उसके बच्चे नहीं हैं। शी डज नॉट हैव चिल्ड्रन। आप देर से क्यों आते हो? Why do you come late? वह गाना कब गाता है? When does he sing song? वह केक कैसे बनाती है? How does she bake the cake? Friends, I hope this video will help you in framing sentences. Friends, if you like my video, subscribe for it. Share it with your friends. And don't forget to like it and comment on it. For more details, visit my YouTube channel, Ekta Skills, and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.